बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, औरत मार्च के नाम पर बेहयाई का जो बाजार गर्म करने की कोशिश की जा रही है, आखिर उससे पाकिस्तान के पसमांदा तबके की खातून पर क्या असरात मुरतब होंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में सबसे पहला आलमी यौमे ख्वातीन 19 मार्च 1911 को मनाया गया था। उससे पहले 1908 में और बाद में 1977 को अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने एक बिल मंजूर किया, जिसमें ये तय किया गया कि ख्वातीन का आलमी दिन हर साल 8 मार्च को बाकायदा तौर पर मनाया जाएगा, जिसका मकसद मर्दों को ख्वातीन की अहमियत से आगाह करना और लोगों में औरतों पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए पेशकदमी की तरगीब देना था। ये दिन ख्वातीन की जद्दोजहद की अलामत के नाम से मौसूम किया जाता है। इसका पस मंजर 1908 में 15,000 मेहनत कश ख्वातीन का काम के लिए तवील औकात कार, कम तनख्वाहों, वोट का हक लेने जैसे मुतालबात मनवाने के लिए न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकलना था। 28 फरवरी 1908 को दिन को अमरीका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार ख्वातीन के कौमी दिन के तौर पर मनाया। 1910 में वर्किंग वेमेन की दूसरी बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस कोपनहेगन में हुई, जिसमें जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा क्लारा ज़ेटकिन नामी औरत ने ख्वातीन के आलमी दिन के नजरिए को पेश किया। 17 ममालिक की 100 से ज्यादा ख्वातीन ने इस तजवीज को मुत्तफिका तौर पर मंजूर किया और हर साल इस दिन को मनाने का फैसला हुआ। 1911 में कोपनहेगन में इस इत्तफाकी फैसले के बाद ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में भी यानी इंटरनेशनल वुमेन डे बाकायदा तौर पर मनाया जाने लगा। अक्वामे मुत्तहिदा ने 8 मार्च को ख्वातीन का आलमी दिन करार दिया और औरतों की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए अक्वामे मुत्तहिदा ने ख्वातीन से मुतल्लिक तमाम इम्तियाजी कवानीन और रवैयों को खत्म करने के लिए एक कमीशन तश्कील दिया और तमाम रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो ख्वातीन के हवाले से सीडा कन्वेंशन के मुताबिक कानून साजी करें। ख्वातीन के आलमी दिन से मुतल्लिक एक तारीखी पस मंजर के हकायक जानने के बाद हम अब इस फड्डे की जानिब आते हैं जो पिछले कई दिनों से जारी है और जिसमें मुल्क की दाएं और बाएं बाजू की दोनों कुव्वतें बाहम गुत्थम गुथा हो चुकी हैं और हर गुजरते दिन के साथ कशीदगी बढ़ती जा रही है। बल्कि 2-3 दिन पहले एक टॉक शो की गर्मा गर्मी तो इखलाक और शाइस्तगी के तमाम दामन भी तार तार करके रख छोड़े हैं। ये एक मुसलमा हकीकत है कि हमारे मुल्क में ख्वातीन को इनफरादी और इज्तमाई सतह पर बहुत से मसाइल का सामना है और इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि हमारे यहाँ माशरती रवायात और खानदानी निजाम में भी बेशुमार पेचीदगियाँ मौजूद हैं। लेकिन उन रोजमर्रा मसाइल की आड़ में मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जिंसियत आलूद नारा लगाकर औरतों के हुकूक का मुतालबा एक अजीबो गरीब मंतक है, जिसको देखते हुए मोतदिल मजाज हल्कों के जेनों में कई सवालात पैदा होना शुरू हो गए हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के स्लोगन से पहले सवाल तो ये उठता है, क्या औरत का सबसे बड़ा मसला उसका जिस्म है? क्या औरत के तमाम समाजी मुआशी मसाइल का हल उसकी जिंसी आज़ादी से ही मुमकिन है? और क्या जिनसी आजादी से लोअर और मिडिल क्लास तबके की औरतों के इस्तेहसाल से छुटकारा मुमकिन है? 2017 की मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी 28 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। इसमें जिंस की बुनियाद पर देखा जाए तो ख्वातीन मुआशरे का 45% हिस्सा बनती है, लेकिन अगर दीगर अदादोशुमार के तौर पर यूनिसेफ और WHO के अदादोशुमार को सामने रखा जाए तो इंतहाई गंभीर तस्वीर सामने आती है। पाकिस्तान की शरह खानगी 58% है, जबकि खानगी का पैमाना अपना नाम लिखना और पढ़ना है। इस तरह उन ख्वातीन की शरह ख्वानदगी 25% बताई जाती है, जो कि आलमी हवालों से इंतहाई कम है। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में जाते ही नहीं और उनमें से 1.37 करोड़ लड़कियां हैं। मेहनत की मंडी में ख्वातीन का हिस्सा 15.8% है, जो कि इंतहाई कम है। फिर हुक्मरान और दरमियाने तबके की मखसूस समाजी गलासतों के जेर असर मौजूद यूनियंस में ख्वातीन की नुमाइंदगी में ना होने के बराबर है। 65% और कुछ अंदाजों के मुताबिक 75% ख्वातीन को बीमारी या जचगी की हालत में जदीद सेहत की सहूलियात तक रसाई हासिल नहीं। हर 1 लाख जचगियों में से 275 ख्वातीन की मौत वाकई हो जाती है, जबकि कुछ अंदाजों के मुताबिक ये 2.5 लाख सालाना से भी ज्यादा है। 35% ख्वातीन का वजन नॉर्मल से भी कम है और 65% ख्वातीन खून की कमी का शिकार है। ये अदादोशुमार मेहनत कश ख्वातीन के इस्तेहसाल जुल्म और जबर का एक मामूली सा अक्स है, जो कि मुकम्मल तस्वीर यकीनन पेश नहीं करते, बल्कि इन तमाम और दीगर इशारियों की शरह इससे भी कहीं ज्यादा बुलंद है।
इसी तरह पिछले कुछ अरसे से घरों पर काम करने वाली मासूम लड़कियों पर तशद्दुद के पे दर पे वाकयात का मंजर आम पर आना, आए रोज फैक्ट्रियों में नौजवान लड़कियों पर जिंसी तशद्दुद के वाकयात, मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, बैंक्स, मल्टीनेशनल इदारों में खुदकुशियों और दूसरे मुख्तलिफ तरीकों से मरने वाली हवा की बेटियों और उनके रोजमर्रा जिंसी इस्तेहसाल से ये बात रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी है कि हुकूक निस्वा के नाम पर शुरू की गई इस मुहिम की हैसियत एक दिलफरेब नारे से ज्यादा कुछ नहीं है। जबकि ये तमाम अदादो शुमार इस बात की गुमबाजी करते हैं कि हुकूक निस्वा के नाम पर पिछली कई दहाइयों से जारी इस धींगा मुश्ती का औरतों के हकीकी मसाइल और हर तरह के मुआशी, जिंसी और तबकाती इस्तेहसाल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं, और यकीनन ये फर्निश्ड कमरों में बैठकर लाखों के मेकअप, ड्रेसेस और इम्पोर्टेड तलाई जेवरात सजाए चंद बांकी सजीली और चुलबुली औरतें सिन्फे नाजुक के उन हकीकी मसाइल से बिल्कुल भी ना बलद और ना आशना है और अपनी हम जिंसों को इस इस्तेहसाल से बचाने का जरा भी फहमो इदराक नहीं रखती, और ना ही इनके अंदाज और रवैये से मुआशरती इकदारों रवायात के बोझ तले दबी हुई आम औरतों के लिए खैर का कोई एक अहम पहलू भी निकलता नजर आता है। दोस्तों, यहाँ अक्सर ये सवाल पैदा होता है कि सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले ये 1.5% एलीट क्लास तबका अपनी से कई गुना ज्यादा बड़े गोबर और मिट्टी से लुथड़े लोअर क्लास तबके की औरत को आज तक कौन सा रिलीफ पहुँचा सका है। पिछले कितने अरसे से मुख्तलिफ सेमिनार्स, मीडिया चैनल्स, टॉक शोज और दूसरी अदबी महफिलों में औरत के मसाइल पर डिबेट्स ने औरत के मसाइल को हल करने में अब तक कितना मौसर और कितना अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ हवा की बेटियों पर जहनी, जिस्मानी तशद्दुद और मुआशी इस्तेहसाल में इजाफा देखने में आ रहा है। बल्कि अक्सर तो यहाँ तक देखने में आया है कि ऐसी ही अपर क्लास औरतें 5-स्टार होटल्स के किसी लग्जरी सेमिनार में ऐसे ही रंग बिरंगे और पुरकशिश नारों से लहू गरमाने के बाद घर आकर घरेलू मुलाजमाओं पर जिस्मानी तशद्दुद और जहनी टॉर्चर में पेश पेश होती हैं। इसी तरह हुकूक निस्वा की अलम्बरदार तंजीमों ने भी औरतों के नाम की दुकानें चमका कर इस इस्तेहसाली निजाम पर कौन से तीर बरसाए हैं और कौन से जख्मों पर मरहम रखा है, सिवाय इसके कि किसी एक वाक्य को जाती तशहीर या बैरूने मुल्क से पैसों की भीख मांगने या कारोबारी मुफादात की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करने के बाद औरत को फिर हालात के रहमो करम पर बेयारो मददगार छोड़ दिया। आज हकीकत ये है कि जिस तबके के ख्याल के मुताबिक मौलवी ने औरत को चादर और चारदीवारी में रखा है, उसी तबके ने दूसरी इंतहा में औरत को नंगा करके मंडियों की जीनत बना दिया है। यकीनन ये एक तल्ख हकीकत है, क्योंकि हमारे मुआशरे का निसफ हिस्सा खवातीन की अक्सरियत पर मुश्तमिल है जो शऊर और आगाही के बावजूद आज भी अपने हुकूक से महरूम है। इन तमाम हालात के पेश नजर आज जरूरत इस बात की है कि मुल्क अजीज में मेरा जिस्म मेरी मर्जी के जिन सालूद नारे लगाने की बजाय खवातीन के इस्तेहसाली निजाम को जड़ से उखाड़ फेंकने का कोई और काबिले कबूल लायामल मुरतब किया जाए, ताकि हकीकी मानों में हुकूक निस्वा के तहफ्फुज़ का फरीजा सर अंजाम दिया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि औरत मार्च के नाम पर दीन इस्लाम के खिलाफ घनौनी साजिश तैयार की जा रही है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी की मुहिम को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ चुकी है, जबकि इस मामले पर ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर की खातून मारवी सरमत के खिलाफ की गई गुफ्तगू के बाद एक नया तनाजा खड़ा हो गया है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी की मुहिम के हवाले से लोगों की मुख्तलिफ आरा देखने में आ रही है। सीनियर सहाफियों के मुताबिक इस मुहिम के पीछे गैर मुल्की ताकतें मुलविस हैं जो बाकायदा औरत मार्च के लिए फंडिंग कर रही हैं। माहिरीन का ख्याल है कि औरत मार्च के मकासद ऐसे हैं कि जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर इस वक्त इसको लगाम ना डाली गई तो ये मुआशरे की तबाही का सबब बन सकती है। दोस्तों, अगर गुज़िश्ता साल होने वाले औरत मार्च का जायजा लिया जाए तो उसमें लगे बैनर्स और शुरका के नज़रियात सोच कर अकल दंग रह जाती है। कहा जाता है कि इस बार औरत मार्च में जो कुछ होगा वो पिछले साल मुनक़द होने वाले औरत मार्च से कहीं ज्यादा मनफी असरात छोड़ेगा। एक वीडियो इस हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो गुज़िश्ता साल की है। उसमें शरीक एक फर्द का कहना है कि मार्च में हर तबके की औरत है, यहाँ लियारी और लांडी से भी खवातीन मौजूद हैं। ये एक खुश आइंद बात है, उन्हें आमदनी देखे बगैर नुमाइंदगी दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि आप जब तक निकाह खत्म नहीं करेंगे ये नाइंसाफियां, जुल्म और तशद्दुद जारी रहेगा। इससे मुतल्लिक किसी ने आज तक कोई बात नहीं की। उस शख्स ने दावा किया कि हिंदुस्तान में पहले निकाह नहीं होता था। 1825 में अंग्रेजों ने निकाह नाफिज किया, जिस तरह हम पर ये अंग्रेजी मुसल्लत की गई, इसी तरह हम पर निकाह मुसल्लत किया गया। दोस्तों, सारफीन ने इस वीडियो पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि औरत मार्च का एजेंडा है निकाह को खत्म करके जना को आम किया जाए। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर ली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह हाफिज़।